इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MIUI 10 के लिए सबसे बेस्ट थीम है, जो कि कस्टमाइजेबल भी हैं और आपके फ़ोन का लुक बिल्कुल ही डिफरेंट कर देती हैं। एनिमेशन के साथ आती हैं, कैची आइकन्स हैं और पूरा नोटिफिकेशन पैनल, बैकग्राउंड और आप थीम में कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। तो चलिए चलते हैं थीम सेंटर में और मैं आपको वीडियो में भी नाम सजेस्ट कर दूंगा थीम्स की और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये पहली थीम है सैड सिटी, जिसको हम कर देते हैं अप्लाई। आप डायरेक्ट थीम सेंटर में जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये थीम मिल जाएगी और डाउनलोड करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने अप्लाई किया तो आप देखोगे इसमें होम स्क्रीन में ड्रॉप एंड जो भी है बारिश, पूरा एनिमेशन के साथ आपको वॉलपेपर मिल जाता है और आइकन्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, पंची और अट्रैक्टिव हैं। और ये जो है नोटिफिकेशन पैनल, सारा टेक्स्ट जो है वो कलरफुल मिल जाता है आपको और बैकग्राउंड वाइट मिल जाता है। और ये नोटिफिकेशन आइकन्स भी चेंज हो जाते हैं, जो कि ब्लूटूथ एंड वाईफाई जो भी है, आपका नोटिफिकेशन पैनल पूरा ओवरऑल चेंज हो जाता है कलर वाइज। ये देखिए, टेक्स्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिल जाते हैं। और ये है हमारा डायलर पैड, जो कि कलरफुल मिल जाता है। और ये इस थीम में सबसे अच्छी चीज़ यही है, जो कि आपका डायलर पैड है, काफ़ी पंची कलर में आपको मिल जाता है। और इसका लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं आपको कि वही लॉक स्क्रीन मिल जाता है लाइव वॉलपेपर के साथ, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और ये टाइम एंड वेदर बताता है। दूसरा है ओप्पो फाइंड एक्स, इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं। आप डाउनलोड करके ओप्पो फाइंड एक्स सर्च करके डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसा लुक देता है ये। तो मैं दिखा दूं कि ओप्पो फाइंड एक्स जो थीम है वो नोटिफिकेशन पैनल आपको पूरा चेंज कर देता है, बैकग्राउंड ग्रे एंड जो भी टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर के दे देते हैं। और जो नोटिफिकेशन आइकन्स पैनल है वो भी चेंज हो जाता है आपको ओवरऑल। और अगर आपका ये नोटिफिकेशन पैनल चेंज नहीं होता है तो आपको इस थीम को अप्लाई करने के बाद फ़ोन को एक बार रिबूट करना बनता है। और मैं इसमें दिखा दूँ चार्जिंग में लगाकर कि जब भी आप चार्जिंग में लगाएंगे तो लॉक स्क्रीन में इसके मैसेज आएंगे, लाइक आई एम डाउन प्लीज़ चार्ज मी, और या भी कि प्लीज़ अनप्लग्ड मी आई एम फुली चार्ज्ड। और जब भी चार्ज होगा उसका भी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो बताएगा। तो प्लीज़ इसको रिबूट करके एक बार देखिएगा सारे फंक्शंस के लिए। और इसमें आइकन्स भी काफ़ी पंची मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरी थीम की ओर। और इस थीम में सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसमें लॉक स्क्रीन में नेम चेंज कर सकते हो अपना, या फिर किसी का भी नाम आप इसमें रख सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, जैसे कि मैंने अप्लाई किया और इसमें आप देखेंगे लाइव वॉलपेपर मिल जाता है। ये जो थ्री लाइंस हैं ये हमारी एनिमेट करती हैं जब भी आप लॉक स्क्रीन ओपन करेंगे, ये देखिए। और इस थीम को आप डबल टैप करेंगे और यहाँ से इसको इरेज करके अपना नाम लिख सकते हैं, ये देखिए, और एंटर दबा देंगे तो आपका नाम इसमें आ जाएगा। अब चलते हैं चौथी थीम के ऊपर, और वो वन यू आई वी 10 नाम है उसका। और इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, फिर अप्लाई करेंगे। चलते होम स्क्रीन में, तो ये देखिए आपको वन यू आई के सारे आइकन्स आपके थीम में अवेलेबल हैं। और आपको मैं नोटिफिकेशन पैनल भी दिखा देता हूँ, जो कि ट्रांसपेरेंट मिल जाता है और सारे आइकन्स भी इधर चेंज होते हैं जो कि नोटिफिकेशन पैनल के हैं। और मैं डायलर पैड दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा चेंज है लाइक सैमसंग टाइप। और ये देखिए सेटिंग पैनल भी आपका पूरा का पूरा चेंज है, जैसे वन यूआई में थोड़ा सा डाउन साइड होती है आपकी पूरी सेटिंग्स, वैसे ही आपका इसमें भी डाउन साइड है सारे फंक्शंस। और ऐसे ही व्हाट्सएप में आपका ये बैकग्राउंड ब्लू कलर का कर देता है, और जो भी है सारे थोड़ा बहुत
जो भी एनिमेशन वगैरह चेंज हो जाते हैं वो भी आप देख सकते हो। प्लीज़ रिबूट कर लीजिएगा थीम को अप्लाई करने के बाद सारे फंक्शंस के लिए। मैसेज में भी ये देखिए वन यूआई टाइप में, इसमें भी मैसेज काफ़ी नीचे साइड है आपके डिस्प्ले में, तो उससे आपको हेल्प हो जाती है वन हैंडेड यूज़ करने के लिए। अब है पाँचवीं थीम जो कि है ब्लैक एमोलेड नाम है इसका, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसको अप्लाई करेंगे और ये थीम मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें ओवरऑल आपको पूरा का पूरा डार्क मोड का एक्सपीरियंस मिलता है। ये देखिए ये है होम स्क्रीन, आइकन्स भी काफ़ी पंची एंड अट्रैक्टिव हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है डबल टैप टू चेंज वॉलपेपर। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इनबिल्ट इतने सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं इस थीम में ही, अंदर ही इनबिल्ट होते हैं ये। ये देखिए डबल टैप कर रहा हूँ, वॉलपेपर सारे चेंज हो रहे हैं, तो आप ये ब्लैक वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली इस थीम में जाकर। और मैं डायलर पैड दिखा देता हूँ इसका, ये देखिए डायलर पैड भी काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्लैक कलर में सुंदर है। और ये जो डायल आइकन है इसका ये एनिमेट बहुत अच्छे से करता है इसमें, तो आप ये भी देख सकते हैं। पूरा कॉल हिस्ट्री आपको ब्लैक मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स ब्लैक, पूरा बैकग्राउंड मिल जाता है ब्लैक का, और ये नोटिफिकेशन पैनल भी ब्लैक मिल जाता है। कलर चेंज रहता है, ब्लू कलर में होता है जब भी ऑन करते हो आप। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके यूजर्स एक्सपीरियंस को अच्छा कर देती हैं, जो कि एनिमेशन होती है या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस थीम में। ये देखिए सेटिंग पैनल में जाएंगे आप तो सारी चीज़ें ब्लैक हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी कोई सेटिंग ऑन ऑफ करेंगे तो उसका भी आइकन और चेंज है, रेड एंड ब्लू में है। मैसेज में देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड भी चेंज है, पूरा ब्लैक कलर है, तो टेक्स्ट काफ़ी अच्छे उभर कर आते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं टेक्स्ट सारे के सारे। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड और कीबोर्ड दोनों चेंज हैं ब्लैक कलर की। इसका लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये जो वॉच दी हुई है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और कलर भी काफ़ी अच्छा है। और इन पांचों थीम का जो भी नेम है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो में भी मैंने दिखा दिया है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।